हेलो दोस्तों, मैं नाजिम हुसैन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक को नया वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर के ऊपर है कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर में इमेज एडिटिंग की जाती है। इसको ओपन करने के लिए मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है और यहाँ सर्च में हम टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। ये देखिए, मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर टाइप करके एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हमें जिस भी फ़ोटो की एडिटिंग करनी हो, ये यहाँ पे राइट साइड के ऊपर टॉप में अपलोड लिखा हुआ है, यहाँ पे अपलोड पे जाके उस फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये मैंने मेरी ही फ़ोटो एक ले लिए और इसको अपलोड कर दिए। ये मेरी फ़ोटो यहाँ पे आ रही है, ये देखिए मेरी फ़ोटो यहाँ आ गई। अब इसकी एडिटिंग करने के लिए हमें जो माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर कई सारे फंक्शंस देता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि राइट साइड में ये देखिए हमारे पास एडिट, टेक्स्ट और मार्कअप, ये तीन टूल है लेफ्ट साइड के अंदर। और राइट साइड के अंदर हम यहाँ पर जब हमारी इमेज को एडिट कर लें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता क्रॉप और रोटेट। आप आपकी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग साइज है आपके इसमें, कि ये तो फ्री साइज है, यहाँ पे ओरिजिनल आ जाएगा। ये स्क्वायर में, ये देखिए मैं यदि इसको क्रॉप करता हूँ 5:4 में, ये देखिए रेशियो में, तो ये देखिए ये क्रॉप हो गया 4:3 में, 9:16 में, 16:9 में। तो आप अलग अलग एंगल में, यानी जो रेशो होता है क्रॉप का, तो आप उस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए मेरी ये ओरिजिनल फ़ोटो आ गई है। तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप यहाँ से अपने फ़ोटो को, दोस्तों ये देखिए फ़ोटो को आप रोटेट भी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, यहाँ से ये देख रहे होंगे आप। मैंने वापस ओरिजिनल पे आ गया, ये तो हो गया क्रॉप करने का ऑप्शन। मैं वापस से रिसेट कर देता हूँ और बैक आ जाता हूँ। इसके बाद आता है कि आप आपकी फ़ोटो पे यदि किसी तरह का टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप आपके यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करके फ़ोटो को इस कुछ भी लिख सकते हैं। ये प्री डिफ़ॉल्ट इसने कई सारे डिज़ाइन दिए हैं, ये देखिए। जैसे कि मैं अपनी फ़ोटो के ऊपर कुछ लिखना चाहूँ, प्री डिफ़ॉल्ट कुछ भी डिज़ाइन में लिखना चाहूँ, जैसे कि ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। मैं इसको अब डबल क्लिक करके इस टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया नाजिम। यहाँ से टेक्स्ट को मैं छोटा और बड़ा कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हैंडल्स को पकड़ के भी मैं अपने टेक्स्ट को छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। इसको रोटेट भी कर सकता हूँ यहीं से, ये देखिए। और इसके अलावा मैं इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं इसको हटा के, और इधर से मैं इसका कलर्स भी, जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज कर सकता हूँ। ये देख लिया आपने, मैं बैक आ जाता हूँ। ये इसमें ट्रांसपेरेंसी है, हाँ ये देखिए, यदि आपके टेक्स्ट यदि दो लाइनों में, तो आप टेक्स्ट के अंदर दोनों लाइनों के अंदर और अक्षरों के अंदर भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नाजिम हुसैन, मेरा टेक्स्ट दो लाइन में आ गया है। यदि मैं लाइन में यदि स्पेस करना चाहता हूँ तो ये देखिए लाइनों के बीच में स्पेस हो जाएगा। और इसी तरह से यदि मैं लेटर्स के बीच में स्पेस करना चाहूँगा तो ये लेटर स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, आपने देख लिया होगा, ये देखिए। इसके अलावा जो आप ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट अरेंजमेंट, राइट अरेंजमेंट और सेंटर अरेंजमेंट है यहाँ पर, अब इसमें एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, एक बहुत अच्छा फंक्शन जो इसने दिया है वो दिया ट्रांसपेरेंसी का, कि आप आपकी इस टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, यानी पीछे का भी नज़र आए। ये देखिए एक वाटरमार्क की तरह भी, ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ आप टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हैं। ये पोजीशन वो होता है कि हम इसके अंदर कोई और टेक्स्ट लिखे वो उससे आगे आ जाए, पीछे आ जाए, या हम इसके ऊपर कोई चीज़ लगाएं तो वो आगे आ जाए या पीछे आ जाए।
ये हमारा टैक्स हुआ। अब मैं टैक्स को डिलीट कर देता हूँ, ये तो हमारा टैक्स हो गया, मैंने इसको सिलेक्ट करके ये डिलीट बटन दबा दिया। दूसरा आता है ऑटो एनहेंस, ये ऑटोमेटिकली फ़ोटो को एनहेंस कर देता है, यानी थोड़ा सा जो इसकी कलर क्वालिटी है और फ़ोटो की क्वालिटी है उसको अच्छा कर देता है। ये देखिए इसने एनहेंस कर दिया है। ऑटो एनहेंस पे क्लिक करके हमें यदि पर्टिकुलर किसी पार्ट को भी करवाना है एनहेंस तो भी हम उसको एनहेंस करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये देखिए फेस लिया, ये पूरी फ़ोटो ले ली, ये पूरा फ़ोटो लेके और मैंने अब इसको आप कटआउट के रूप में भी क्रॉप कर सकते हैं। एक बार मैं इसको वापस से दोस्तों मैंने ये वापस से एक बार अंडू कर लिया है। मैं अब एक बार इस टेक्स्ट को डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, कटआउट बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिमूव है, ये आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो का ऑटोमेटिकली कटआउट बन जाएगा, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमारी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। हम अगर हमें फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है और अगर हमें ये फ़ोटो डाउनलोड करनी है यानी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में, तो आप यहाँ से PNG लिख के यहाँ जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए, और आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आता है, ये मैंने डाउनलोड किया है, अब यदि हम पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ रिप्लेस पे जाएंगे, यहाँ से हम किसी भी तरह का कलर वगैरह कोई हम लगा सकते हैं। ये देखिए हमारी फ़ोटो आ गई। अब जैसे कि हमें यदि बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह लगाना हो तो ये देखिए हम इसको लगा सकते हैं आसानी के साथ, ये देखें। और फ़ोटो की कलर क्वालिटी में कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके फ़ोटो की कलर क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, ये देखें। मैं वापस से अंडू कर लेता हूँ। ये देखिए ये मेरी फ़ोटो वापस आ गई है। अब आता है एक चीज़ आती है ये इसके अंदर कि हमें हमारी फ़ोटो में कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यदि वो हटाना हो तो उसका उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये होता है, एक होता है ये देखिए, जब आप ये ऑटो एनहेंस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका एक कर्सर एक सिलेक्शन टूल में बदल जाएगा। ये देखिए ये तो ऑटो एनहेंस हो गई हमारी फ़ोटो। हाँ, फ़ोटो के कलर करेक्शन के लिए आप यहाँ से भी उपयोग कर सकते हैं, ये देखिए वापस से रिसेट पे क्लिक करके आप वापस से अपनी नॉर्मल फ़ोटो पिक पे भी जा सकते हैं। ये देखिए मैं अपनी नॉर्मल फ़ोटो पे भी आ गया हूँ। अब आता है यहाँ पे अभी सो एडजस्टमेंट को सारी यहाँ पे सभी तरह की जो लाइटिंग्स है फ़ोटोज़ की वो आप चेक कर सकते हैं। ये देखें मैं वापस से रिसेट कर देता हूँ, वापस से अंडू कर देता हूँ। ये देखें ये क्रॉप का हो गया, मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं मार्कअप। मार्कअप में क्या है, जब ये आपका ये तो एक मैजिक सिलेक्ट कर्सर होता है, ये आपका पेन टूल होता है, ये हाइलाइटर होता है, ये इरेजर होता है। यदि आपको कुछ यहाँ पे लिखना हो तो ये पेंसिल टूल है। एक तो पेंसिल टूल फ्री हैंड होता है, एक स्ट्रेट होता है। तो फ्री हैंड का मतलब तो हम आप उस पर कुछ भी किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया, कलर चेंज करना चाहूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ से ये कलर चेंज कर दिया। इरेजर से हम इनको हटा भी सकते हैं, ये देखिए। दूसरा चीज़ होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन क्या है कि आप लाइन की यहाँ से थिकनेस बढ़ा भी सकते हैं, बिल्कुल सीधी ही बनती है। ये देखिए एक पॉइंट से लेके दो पॉइंटों के बीच में वो सीधी ही बनती है, ये होती है स्ट्रेट लाइन। ये इरेजर से मैंने इसको हटा दिया है।
दूसरा होता है ये हाइलाइटर। हाइलाइटर का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंट, एक तरह से तो ट्रांसपेरेंट रहता है, पीछे का भी आपको उसमें नज़र आता है। मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, ये देखिए आपको आंखें भी दिखाई दे रही होंगी। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करना चाहें तो इस हाईलाइटर से कर सकते हैं। तो ये आपके पेंसिल हो गया, हाईलाइटर हो गया, और ये इरेजर हो गया। और यहाँ पे यदि आप दो कोनों की, ये देखिए इसमें दो मुंह हो जाएंगे, ये देखिए एरो जैसे नॉर्मल लाइन करेंगे तो ये देखिए नॉर्मल हो जाएगी, और ये वन साइड वाला हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये होता है सिलेक्ट इंक कर्सर। सिलेक्ट इंक कर्सर आप जब यहाँ पे ले जाके इसको सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए, या फिर देखिए मैं इस फोटो वाली फ़ोटो को हटाना चाहता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे इरेज, तो ऑटोमेटिकली ये देखिएगा ये फ़ोटो यहाँ से हट जाएगी। देखिए दोस्तों, इस ऑटोमेटिकली हमारी वो फ़ोटो जो हमें बैकग्राउंड में हमें जो चीज़ नहीं चाहिए थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो गई है। और मैं इसको और सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने, ये देखिए, आप इन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर आपकी इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो बैकग्राउंड से रिमूव करना चाहते हैं कि नहीं, वो चाहते कि भाई उस पर वो फंक्शन नहीं करे, तो वो भी मैं आपको बात बताऊंगा अभी। ये देखिए, और मैंने इसको कर दिया वापस से इरेज। तो ये देखेंगे आप दोस्तों, देखिए हमारी वो फोटो भी हट गई, आईना हट गया, और ये जो पीछे की जो चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली हट गई। मैं एक बार इसको वापस से अंडू कर देता हूँ, आप दिख जाएंगे आपको। ये देखिए ये हमारी फ़ोटो थी। मैं इस फंक्शन को बताने के लिए एक दूसरी फ़ोटो लेता हूँ, मैं आप इस ऑब्जेक्ट को बंद करता हूँ, दोबारा से एक फ़ोटो अपलोड करता हूँ। ये बहुत ही आसानी के साथ आपके समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए मैंने एक फ़ोटो ली है, इसको अपलोड करता हूँ। हम अनवांटेड चीज़ को कैसे यहाँ से हटा सकते हैं, जैसे कि ये मेरी एक फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, ये एक फ़ोटो है, इसमें ये टाइगर आपको दिख रहा होगा, अरे एक चट्टान है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये टाइगर और चट्टान मुझे यहाँ से हटाने हैं, यानी मुझे सिर्फ ये पानी पानी रखना है, तो सिंपल सा ही मैं ये मार्कअप जो टूल है यहाँ पे जाऊँगा और ये सिलेक्टिंग कलर सिलेक्ट करूँगा, और मैंने टाइगर और ये चट्टान ये दोनों चीज़ सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली मैं, ये देखिए टाइगर चट्टान सिलेक्ट कर ली, और मैं डायरेक्टली इरेज टूल पे जाऊँगा। तो अभी आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी। यानी हम फोटो में से अनवांटेड चीज़ हटाना चाहते हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ इरेज के द्वारा हम उसको हटा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से वो चीज़ हट गई है, कितनी आसानी के साथ, है ना। अब यदि आपको फ़ोटो में से किसी चीज़ का कटआउट बनाना हो, जैसे कि मान लीजिए मुझे इसका टाइगर का और चट्टान का कटआउट बनाना है, तो मैं यहाँ पे कटआउट पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए मेरी पूरी फ़ोटो में से टाइगर और चट्टान ही रह गई है, बाकी सारी चीज़ें हट गई है। बाकी आपने देखा, तो मैं एक बार वापस से अंडू कर देता हूँ। यानी हम पर्टिकुलर फ़ोटो में से पर्टिकुलर चीज़ हटा भी सकते हैं, और उसका कटआउट बनाना चाहे तो उसका कटआउट भी बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है किसी चीज़ को ब्लर करना। यानी मान लीजिए मुझे यहाँ से ये पहाड़ियों को ब्लर करना है, या ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया कोई, अब ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये रिमूव सिलेक्शन। रिमूव सिलेक्शन से आप मान लीजिए मैंने ये क्लिक किया, मेरा ये सारा सिलेक्शन हो गया। अब मैं रिमूव सिलेक्शन करके और पर्टिकुलर रिम सिलेक्शन को हटा के सिर्फ कोई इफेक्ट जो देना चाहता हूँ मैं वही देना चाहता हूँ। ये देखिए ये सिलेक्शन मैंने हटा दिया इस पे से। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिलेक्शन में से कोई चीज़ रखना चाहें या नहीं रखना चाहें। ये देखिए, यानी मैं जो काम करूँगा, जो ब्लरनेस दूंगा, ये देखिए,
अब मेरा वो वाला पार्ट सिलेक्ट है। ओके, अब मैं इसको कर दूंगा कलर पॉप अप या अनफोकस वाला कर दूंगा मैं। एक बार मैं इसको कलर पॉप अप कर देता हूँ। ये देखिए कलर पॉप अप में क्या हुआ, बाकी जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया था वो तो कलर में रह गया, बाकी ये देखिए वैसा हो गया एक ब्लैक एंड वाइट। अब तो हम इसको कलर पॉप अप भी दे सकते हैं। मैं वापस से एक बार इसको अनडू कर देता हूँ। अब इसके अलावा था बैकग्राउंड को ब्लर करना। जब आप यहाँ पे ब्लर बैकग्राउंड पे क्लिक कर देते हैं तो बैकग्राउंड क्या होता है, ब्लर हो जाता है, मेन ऑब्जेक्ट ही हाईलाइट रहता है, इतना ब्लर भी नहीं होता कि फ़ोटो ख़राब हो जाए। ये देखिए थोड़ा बैकग्राउंड पीछे का ब्लर हो गया है। अब जो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार जब हम हमारी एडिटिंग फ़ोटो पे कर लेते हैं, तो मैंने आज आपको माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में फ़ोटो एडिटिंग की कंप्लीट जानकारी दी है। और अब जब हमें इसको डाउनलोड करना हो, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से एक बार इसको ये टाइगर को और इसको वापस से एक बार हटा देता हूँ चट्टान को, और इसको कर देता हूँ मैं इरेज, और वो फ़ोटो मैं आपको डाउनलोड करके भी बताऊँगा और कंपेयर करके भी बताऊँगा। ये देखिए ये हो गया है। अब मैंने इसको यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ, और यहाँ से मैं चाहूँ तो JPG में, PDF में, PNG में मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। और ये देखिए मैंने ये डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। ये देखिए ये मैंने, ये देखिए अब ये देखिए ये फ़ोटो जिसमें से मैंने टाइगर और चट्टान रिमूव किए, देखिए कितनी आसानी के साथ कितने बढ़िया तरीके से रिमूव हो गया है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली फोकस करना चाहते हैं और बाकी को ब्लर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा कोई ऐसा, मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक दूसरी फ़ोटो ले लेता हूँ जिसमें आपको ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से दिख जाए और पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाए। तो ये देखिए मैंने मैंने यहाँ पे ये एक दूसरी फ़ोटो ले ली है। फ़ोटो लेने के बाद मैं, मेरा जो ये मेन ऑब्जेक्ट है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मार्कअप के द्वारा, फ्री हैंड टूल के द्वारा मैंने मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए और मैं इसको करता हूँ फोकस। मैंने ये सिलेक्ट किया और इसको कर दिया फोकस। तो ये देखिए बाकी का पीछे का पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो गया, सिर्फ हमारा मेन फोकस कौन सा रह गया जो हमने सिलेक्ट किया था वो हो गया। तो दोस्तों आज मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के बारे में कैसे हम इसमें इमेज एडिटिंग करेंगे इसकी कंप्लीट जानकारी दे दी है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।